मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद सेकंड डे और दिन की शुरुआत हमारी सुबह सुबह, देख सकते हैं आप कितना अल्लाह पाक बहुत अच्छा बरसा रहे, मींस की बारिश हो रहे हैं इस वक्त। और अच्छा बहुत मुझे फील हो रहा है, बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इस साइड पे भी आप देख लें, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मतलब इतनी गर्मी थी कुछ टाइम पहले और बकरीद से मतलब बारिश ही बारिश, वाह वाह। इस बारिश हो और चाय ना हो तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट के चाय बना ली और चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। माय यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल सैयद ज़ीबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज़ हो गया, मैं फ्रेश हो गई हूँ और ईद सेकंड डे आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, दिल के गहराइयों से मुबारक हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम उम्मती मुसलमान के नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, ने हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। हम बहुत दिल से मनाते हैं, करते हैं, तो अल्लाह पाक जो भी हम लोगों का गुनाह है, गलती है, हम इंसान हैं, गुनाह की कठपुतली हैं, होता ही रहता है, तो अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। प्लीज़ माफ़ करें और नेक हिदायत देने के रास्ते पे चलाएं। और डे सेकंड तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। मैंने एक आउटफिट बनाया है बट आज मैंने उसे वेयर नहीं किया बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। सो सिंपल से मैंने ये रेड वाला कुर्ती पहन लिया है जो कि मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगता है। घर पर डेली वेयर में ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, रेयन मटेरियल है। सो अभी फ़िलहाल मैं यही कुर्ती पहन के हूँ और खाना वाना जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह व्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी दोनों बेबी को भी देखना है। और डे सेकंड भी अच्छा गया और डे फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। उसी में बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि एडिट करूँ और अपलोड करूँ क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं मिल पाता है। क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि मैं दोनों बेबी को प्रॉपर देखना होता है। क्योंकि इनके पापा जब थे ना तो वो मैं फ्री थी, मुझे बस किचन में काम वाम करना है, रेडी होना है, बाहर गई घर आई। और अभी क्या ना, ए टू जेड हमें देखना पड़ता है तो ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं। हाँ बेटा, तो यहाँ पे मैं बस सुबह हो गई है तो क्या क्या करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे न्यू हो तो, और जो पहले से देखते हो वो लाइक करेंगे। सो या नन्ना मुन्ना बच्चा दोनों खेल रहे हैं, इज़ियान भी जुनैरा भी बेड पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। मैं चली मीट जो है मीट को ग्राइंड करने, ये वाला रूम में मैं मीट का बाकी सब सामान रखती हूँ। बेड पे चढ़ गई हूँ और इसके ऊपर है यहाँ पे, ये देखे हाँ ये है मीट मिक्सर, तो इसे निकालती हूँ और बस मैं काम तमाम करूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने निकाल लिया है, इसे ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, देखे बच्चे लोग भी आ गए, इसी तरीके से हो जाता है, चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, आप इसी तरीके से ब्लेंड पूरा एकदम अच्छा वाला हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ जनारा एग्जाम के लिए बनाऊंगी, अभी निकालती हूँ। ये सब जो औजार है ना इनके, ये बहुत अच्छे हैं, टू गुड। तो मैं निकाल के इसे सेट पहले करती हूँ, फिर ग्राइंड करूँगी, फिर जब ग्राइंड होने के बाद जो उसका टेक्सचर हो जाएगा ना, वो एक बार दिखाऊंगी मैं आपको लाजमी। यहाँ पे ग्राइंड करने के लिए मैं बैठ गई हूँ, स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रोसेस होते हैं। फ्रेंड्स की अच्छे से हमारा मीट अच्छे से ग्राइंड हो गया और इस तरीके से हमने मशीन को सबको वॉश कर लिया। और ये सूख जाएंगे तो फिर मैं पोंछ के अच्छे से रख दूंगी क्योंकि बच्चे वाले घर है और ये बूंदा होता है, ये टूटा में भी तो फिर सारा का सारा बर्बाद हो सकता है। अभी क्या कर रहा है माशाल्लाह, ये देखिए जुनैरा बेबी यहाँ पे शावर लेके कॉम्ब कर रही है, कॉम्ब। ये अभी जस्ट जुमा मुबारक बेटा, सबको बोल दो जुमा मुबारक। हाँ आपको भी बेटा, यहाँ पे जुमा हो गया और अब मम्मी नहाएंगी इनकी घर की सफाइयाँ करने के बाद। खाना तो कुक हमने कर लिया है। सेकंड डे ईद कुछ इस तरीके से हमारा जा रहा है। अभी यहाँ पे सुनहरा साफ हो गई हैं, प्यारी हो गई हैं, क्यूट हो गई हैं, क्यूट। और ये गीला टॉवल मम्मा जाके टांग देती है ना। आप यहाँ पे इंजॉय करो, हम भैया को नहलाते हैं, ठीक है? इज़ियान भाई ने और कॉम्ब दे दो, कॉम्ब रख देगी मम्मा। फिर आप विंडो से फेंकना दो बेटा, दे दो मम्मा को कॉम्ब, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ प्लीज़। तो ये अभी बदमाशियां कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इज़ियान। इज़ियान यहाँ पे नहा लिया, जुनैरा भी फ्रेश, और दोनों इंजॉय करो, ठीक है? फिर मम्मी शावर लेके नमाज पढ़ेगी करूँगी और कपड़े यहाँ पे डाल दूंगी क्योंकि ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया सारे कपड़े।
और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, खेल रहा है बादाम के साथ माशाल्लाह। और रिजियान भी साथ में झूला वगैरह झूल रहे, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी मम्मी नमाज पढ़ी, ऐसे ओपन करके अच्छे से फूल अभी रखी हुई हूँ, दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है। नहीं बारिश हो रही है, जुमा भी है, बहुत अच्छा लगता है। डे सेकंड कुछ इस तरीके से हमारा गया और वहाँ पर देखे कितना प्यारा लगता है वो ग्रीनरी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं 2:47 हो रहा है, ठीक है। अब मैं अभी शावर ले चुकी हूँ और अब मैं जुमे का नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करना सारी उम्मती मुसलमान के लिए और मैं अपने लिए भी। फिर कुछ खाएंगे पकाएंगे, क्या बनाते हैं आज स्पेशल वो तो बताएंगे। और मेहंदी के कलर देखे कपड़े वगैरह धो के कैसे हो जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं। काम वाम ये वो डिस डैट जो भी कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, इनके पापा रहते तो मैं कुछ कुछ आइटम वगैरह बनाती, बट कोई ना अभी इतना टाइम हो रहा है। और मैं कल ध्यान में रखी थी कि कहाँ कहाँ मुझे देना है, फिर भी इंसान हूँ कहीं कहीं भूल जाती हूँ, अभी भी ऐसा सा याद आ रहा है। बट एक दो जगह जाना अभी, तो रास्ते में मैं देते हुए आऊँगी वही जो कुर्बानी का हिस्सा होता है, तो मैं तो सारा बांट चुकी थी, फिर भी मेरे घर के हैं वहाँ से मैं दे आती हूँ और बस निकलते हैं दे के आते हैं। आ जाओ इजान, इजान है और जनारा तुम भी आओ। जब वापस आ रही थी तो दोनों बेबी ने आइसक्रीम करने लगे, तो आइसक्रीम मैं दिला दी, बट ठंडी ठंडी थोड़ी मौसम हो गई तो मुझे डर लग रहे थे। आइसक्रीम बाहर में खाए हैं, खा ले हैं और ये भी खा रहा है, और मैं अभी घर आ गई। घर आने के बाद तो अलग सा बाहर लगता तबीयत, और मेहंदी के देखें हालत ख़राब हो रही है और गर्मी बहुत बाहर में थे, घर में अच्छा लगता है। किचन नीड एंड क्लीन हल्का बहुत किया और मैं यहाँ पे अभी शांति में आराम से कप पीते हैं। और ये अपना आज फेवरेट वाला कप निकाला है जो लास्ट टाइम हमने लिया था, तो यहीं पे बैठते हैं आराम से। अंदर स्टडी करवा रहे दोनों ज़ियान सुनायदा को रूम में, और रोने लगे जा रहे हैं। घड़ी कहाँ बेटा? हाँ घास है घड़ी, अच्छा ओके। ढक्कन कहाँ बेटा? ढक्कन ढक्कन वो है सच में? थर्मस कहाँ? थर्मस अच्छा। कुकुम्बर कहाँ? खीरा हाँ खास है खीरा। भालू कहाँ बेटा? ओके। अम्ब्रेला कहाँ? अम्ब्रेला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और टर्न करो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होके मैं चाय बनाती हूँ, और एकदम थोड़ा सा बारिश हो रही है इसी वजह से ज़ियान जुनैरा को भी दूंगी और मेरा फुल कप रहेगा, तो यहाँ पे चाय एंजॉय करते हैं हम लोग। और जो कुकीज़ में लेके आ रही थी रस्क वाले वो साथ साथ खाऊंगी। मस्त मैं गरम गरम चपाती बना रही हूँ, और चपाती किस लिए बना रही हूँ, बिकॉज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं, वैसे मैं पराठा मेरा मन था बनाने का, बट इसमें मैंने निहार अभी बनाया है। वैसे मैंने सारा निहार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वैसे इसमें दो छोटे छोटे पीस हमने रखे हैं, बस ये छोटा कुकर है ना तो इसमें आराम से बन जाएगा। ये पूरा गर्म है अभी ठीक रहा है, तो इसमें खोलूंगी अच्छे से नींबू धनिया की पत्ती जो हरा हरा पत्ती रहता है वो, और हरी मिर्च देकर गार्निश करके निकालूंगी और चपाती के साथ। देख रहे हैं ना ये छोटी जैसी प्यारी जैसी क्यूट सी बच्ची लोग हैं, तो ये इनका कंपटीशन कुछ हो रहा है स्टेज पे। सो मेरे हस्बैंड को फ्यू डेज के लिए वीकेंड में मिले थे ईद के स्पेशल पे छुट्टी, तो वो गए थे मॉल वगैरह। इस मॉल से एक हुवाई का ईयरबड्स उन्होंने लिया था, और जी डॉट से बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउज़र लिए थे जो कि वो मुझसे शेयर किए, तो मैंने भी आपसे ये क्लिप शेयर कर लिया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हारी हमारा रेडी हो गया है और अभी मैं इसे निकालती हूँ।
हाँ मुझे मालूम है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं अभी कुछ टाइम से ज़ियान को 5 रुपये का सिक्का देती हूँ और वो बोलती हूँ कि जाओ कॉइन्स लेकर, तो वो कुछ कुछ लेके आते हैं। और देखो ना, ये एकदम लग रहा है प्लास्टिक का बॉटल है, बट ये बॉटल नहीं है, ये आइसक्रीम का पैकेट है और ये बहुत ही ठंडा ठंडा जूस है। मुझे लगा व्लॉग में शामिल करूँ मैं। तो ना मैं जा रही हूँ कोफ्ता बनाने, इनमें ना गोश्त में बहुत ज़्यादा बरकत होते हैं मीट में, तो जिसमें बरकत करना है तो वो कोफ्ता बना सकते हैं। लाइक मेरी ज़ियान जुनैरा भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो बहुत खुशी से खाएंगे, तो मैं जा रही हूँ मीट को बनाने और बस आपके साथ छोटे छोटे क्लिप के जरिए शेयर करूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ये मेरी मम्मी के मतलब मम्मी मुझे बताती थी मैं घर पर किया करती थी बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं इसे बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ किचन, बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये मैंने मीट इस तरीके से देखें पीस कर अच्छे से ग्राइंड करके रखा था, तो ये सारा मीट को बिस्मिल्लाह करके इसमें रख देती हूँ क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था। तो अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, छोटे बेबी हैं ज़ियान, तो इस ज़ियान के लिए, तो ज़ियान को अच्छा लगेगा, जुनैरा को अच्छा लगेगा ये सब। तो ये हो गया इस तरीके से मीट, और देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हमने ये पूरा ग्राइंड किया है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है, ये देखिए बारीक कटा हुआ मैंने अनियन लिया है, और अनियन के साथ साथ हरी मिर्च थोड़ा सा, और थोड़ा सा अनियन इसमें ज़्यादा भी दे सकते हो, बट अदर डे जब मीट आता है आपका, मटन आता है तो आप बनाते हो तो उसमें खूब अनियन दे सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया ना, थोड़ा कम क्वान्टिटी लिया है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से सारा ले लेती हूँ। और ये हो गए कुछ मसाले, जिसमें कि ये मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, होममेड गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक, मीन्स कि सब। तो इस तरीके से मैंने सारा ऐड कर लिया। और ये एकदम न्यू वाला हमने मस्टर्ड ऑयल ये फ्लिपकार्ट से लिया था, तो ये इस तरीके से ये थोड़ा सा इसमें जाएगा, ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये इतना इनफ है। और इसमें मैं थोड़ा सा सत्तू भी, ये आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट सत्तू का पैकेट ओपन किया है, और सत्तू मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, अब 1-2 टीस्पून तक दूंगी, अपने हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि ये छोटी बेबी के लिए लिहाज से बना रही हूँ मैं। तो आप इसमें एक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी दे सकते हो, मीन्स कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और लेकिन समर भी है अभी, तो समर का लिहाज करते हुए, फिर मटन वैसे भी गर्म करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप दे सकते हो। वैसे इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं भी बना रही हूँ ना, सीरियसली आप भी बनाएं और लुत्फ उठाएं। अच्छे से इसे मैश करते हैं चारों तरफ से। आप अपनी मर्जी से राउंड राउंड शेप में दे सकते हो। ये तो कोफ्ता के लिए मैं कर रही हूँ, और साथ साथ टिकिया भी कुछ बनाऊंगी, और साथ में जुनैरा भी हेल्प कर रही है। पूरा राउंड राउंड गोल गोल अच्छे से कर चुकी हूँ, और ये देखने में कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो ये अच्छे से पिसाया था, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने टिकिया के शेप में डाला है, जबकि टिकिया बेसिकली चने के दाल और ये मीट को अच्छे से थोड़ा सा सीटी वगैरह लगा के बॉयल करने के बाद बनते हैं, बट ये इतना अच्छा ग्राइंड किया हुआ है ना कि ये भी बन जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल ये बनाऊंगी, इज़ियान सुनारा को दूंगी, मैं भी खाऊंगी, तो इसीलिए मैंने 5 से 6 पीस लिया है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, आगे चल के लॉन्ग वे में कोफ्ता ग्रेवी बनाऊंगी तब उसके लिए। तो ये बना के अभी रख दे रही हूँ और ये अभी खाऊंगी, तो बस बिना टाइम वेस्ट के मैं बनाती हूँ। कोफ्ता को मैं रख चुकी हूँ कुक करने के लिए, और ये जो टिकिया को मैंने अच्छे से फ्राई किया है आपने देखा है, तो इसे मैं गार्निश करके निकालती हूँ।
डिश आउट करती हूँ, साथ में खाऊंगी मैं और ज़ियान, जुनैरा, सारे लोग। तो यहाँ पे जुनैरा ज़ियान भी काफ़ी एक्साइटेड है कि मम्मा ने क्या बनाया, और अंदर टीवी हमने ऑन रखा था तो अपने बेबी के साथ एंजॉय करते हैं। आप लोग भी बकरीद में क्या क्या बना रहे हैं सो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और ये लाजमी आप ट्राई करें। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें तो लाजमी खाने चाहिए। तो यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो बड़ा ही मज़ेदार लगा। उसे शामी कबाब भी कहते हैं, बस उस शामी कबाब का रेसिपी मैं अच्छे से अपने चैनल पे डालूंगी इंशाल्लाह। और ये मेरा कोफ्ता भी रेडी हो रहा है, ये अभी पानी छोड़ा है, थोड़ा इंक्रीज़ करता है ख़ुद का वाटर, तो ये अच्छे से मीडियम फ्लेम में ये पूरा छूटेगा, तेल इसमें से अपने आप निकलेगा, तो ठंडा होएगा तभी मैं इसमें फ्रिज में रखूँगी। दे हो गए थे ना चाय के बर्तन बना बना के, फाइनली अभी थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है और अब मैं चली चाय बनाने। चाय बना के मिलती हूँ आपसे, फिर बातें भी करूँगी। गिन ये चाय गिर गई है मुझसे और फिर से दिखती, मतलब पतीला ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे क्लीन करती हूँ, कप में डालती हूँ। एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो बेटा ये फ्रेश हो के। सबसे पहले चाय किसे पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। ये और ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा। ज़ियान जुनैरा आराम से बैठ के खेल रहे हैं और मैं चली जोहर का नमाज अदा करने। और मैं खाने में क्या बना रही हूँ एक झलक आपको दिखा देती हूँ। हमारा यही चल रहा है रोज़ का, जो भी मटन वगैरह रहते हैं फ्रिज में इसमें तल देते हैं चावल को, हमने इसे धुनी पुलाव बोलते हैं, यखनी पुलाव बोलते हैं। इसमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से पानी, तो इसमें मैंने इतना पानी ऐड करना और अच्छे से इसे भूनना है, और कुकर में 10 से 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम में रखना, और ये पक के तैयार हो जाएगा। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं चलती हूँ इसको लॉक करके नमाज अदा करने। इन कर चुकी हूँ, अब निकालती हूँ। ईद हमारा थर्सडे को गया और जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, तो सैटरडे ऑफ ऑफ रही घर में, जो भी काम रहा। व्लॉग मेरा लंबा जा रहा है आई नो, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह संडे है फन डे, तो आज मैंने व्लॉग एडिट कर लिया ईद वाला और डाल भी चुकी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, मैंने नमाज़ें अदा कर ली हैं और खाना मैंने यखनी पुलाव बनाया है, पुलाव टाइप का है, तो वो अभी निकालती हूँ और खाती हूँ। और आपके साथ भी शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है, जब भी कोई चीज़ आपके पास बचा हुआ हो, प्याज हल्का सा सॉटे किया, जीरा डाला और चावल अच्छे से धोकर उसे फ्राई करके डाल दिया, और जो मीट है घर में वो डाल दिया, और बस आप पानी अपने मेजरमेंट के हिसाब से नमक वगैरह दे के रेडी खाओ। तो अभी हम बस खाने जाते हैं क्योंकि अब बहुत ज़ोर का भूख लग रहा है। मैं इस ज़ियान को खिलाती हूँ। एक अलग सा शौकीन होगा चाय का, तो ये इसमें एक लक्ष्मी टी आता है हमारे पुल पे जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में, तो ऑलरेडी ये हाफ के जी हमने मंगाया था, ये पूरा पाव का एक पैकेट हमने भरा, और एक मंथ शायद 20 दिन 25 दिन चलता है मेरा, और अभी फिर मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मैं मतलब स्पेशल टी है ये, इससे मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो अभी मैं फ़िलहाल पे देखिए मेरा फेवरेट चाय, और अभी बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, तो ये मैं अब लेके जाती हूँ रूम स्टडी करवाने जुनैरा और ज़ियान को, दोनों को कल स्कूल ओपन होने वाला है। जुनैरा ज़ियान हम बुक निकालते हैं, आराम से स्टडी करवाएंगे, साथ साथ चाय पीते हैं। अच्छे से अब अपना अपना बुक ओपन करो। अल्लाह पाक, यहाँ पे देखे ज़ियान के इतना ध्यान देने पे कैसे एक नाइफ से किस चीज़ से कट कर लिया हाथ को, रो रहा है, मैं क्या ही करूँ, मैं दवा लगाऊँ। खैर मैं ज़ियान को मेडिसिन वगैरह दे चुकी, दवा वगैरह लगा ली उनके पसंद का। यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ कि शायद उसका मन बहले और खाए, और ये नॉर्मल पराठा नहीं है, नॉर्मल शेप में ज़रूर है बट मैं क्या ही करूँ। हल्का सा मैंने इसमें नमक वगैरह और कस्तूरी मेथी किया है, और अच्छे से बेल के और इसे धीमे मतलब मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर रही हूँ, जिसमें कि अच्छा लगे। और साथ साथ जुनैरा भी हेल्प करने आई है, बट मुझे बहुत डर लगता है किचन में ये लोग आती हैं। तो खैर अभी उसको अच्छे से मैंने बैंडेज वगैरह लगा लिया, और ज़ियान के पसंद का मैंने पराठा बनाया, और उसको इस तरीके से दूँगी ना कोई भी सालन के साथ तो वो अच्छे से खा लेता है। यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन मस्ती करके आराम से मूवी भी देख रहे हैं, मीन्स के सीरियल, और खा भी रहे हैं। और रात का वेदर देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पे मौसम बारिश हल्का हल्का हो रहा है, और मैंने ये वाली चादर को वॉश करके डाल चुके हैं, बट ये अभी सूखने वाला नहीं है क्योंकि नम हो रहे हैं बारिश की वजह से, और वेदर बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होकर है। और मेथी वाला पराठा आप लाजमी ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको।
तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग के जरिए आपके साथ हमने शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आप तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।